कृष्ण कुसमारिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से एक बार फिर एमपी में सियासत गर्मा गई है। राज्य के सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, बीजेपी को तो पूरी फिल्म दिखानी बाकी है। बाबूलाल गौर जी के बारे में नहीं जानता, पर कुसमारिया जी का स्वागत है। एक प्रतिष्ठित नेता और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे, 5 दफ़े तो वो सांसद रहे, कितनी दफ़े विधायक रहे। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि आज की भारतीय जनता पार्टी और जिस भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया था बहुत अंतर है। इसलिए वो दुखी होके, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। सर ये ट्रेलर है, आगे भी देखते जाइए। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। शिवराज सिंह चौहान की माने तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। शिवराज ने यह भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी को रसगुल्ला ना समझे, जो वचन दिया है उसको निभाएं। कर्जे माफ करने की भी सुस्पष्ट नीति है क्या, ये तो ढंग से बताएं। अलग अलग लोग अलग अलग बात ना करें। और इतना मैं जरूर कहता हूं कि मैं जनता का सेवक हूं, मैं आग्रह करूंगा, बातचीत करूंगा, उससे अगर समाधान नहीं हुआ तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचेगा। फिर हम विवश होंगे कि हम लड़के और आंदोलन करके किसानों को उनका हक दिलाएं। सर लोकसभा चुनाव एक जो कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो किसान जिनका कर्ज माफ हो जाएंगे उनकी सूची को प्रकाशित कराएंगे, उनका गांव नाम सब प्रकाशित करवा देंगे, ये किसका व्यवहारिक मानते हैं? कह रहे हूं ये उनका सोचना है, प्रकाशित करवाए हमें क्या। सर सीएम ये भी कह रहे हैं कि कुसमारिया के को तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये कुछ भी कहते रहे, देख मैं हर एक चीज का ना तो जवाब देता, और मैं वैसा राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो मैं तुरंत आरोप लगाने लगूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत समर्पित है, नेता बहुत समर्पित है, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को रसगुल्ला ना समझे कि हम खा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत है, हमको ये दंभ और अहंकार नहीं, लेकिन हमको गर्व है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन कई बार स्वभाव होता है कि इस तरह की बात करने का, मैं इस तरह की बात करने का। शिवराज के रसगुल्ला वाले बयान पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। राज्य के वित्त मंत्री तरुण भनोट की माने तो शिवराज सिंह को अब रसगुल्ले भी नमकीन लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, माननीय पूर्व मंत्री शिवराज जी को तो इस समय गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी कड़वे लग रहे हैं, उनमें भी नमक का एहसास हो रहा है। उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया है, कांग्रेस पार्टी को काम करने का मौका दिया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के बयानों पर गौर नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में जो उनके प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं सांसद राकेश सिंह जी, उनने कल ही इंदौर में बयान दिया कि ऊपर से इशारा होगा तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस की चिंता ना करें, उनके पार्टी के अध्यक्ष तो ये भी भूल गए कि मध्य प्रदेश में मामा कौन कहलाते थे। उनकी चिंता करें, प्रशासनिक सर्जरी की चिंता ना करें, अधिकारियों की चिंता ना करें, कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करें। और अगर कुसमारिया जी की उनने चिंता की होती तो आज वह कांग्रेस में नहीं। गुलाब जामुन से तुलना कर रहे हैं लेकिन कार्यकर्ताओं की, अब तो उनको आदत बदलना पड़ेगी। कई बार जब कोई बुखार तेज चढ़ जाता है तो कुनैन की गोली भी खाना पड़ती है, तो सत्ता का बुखार उतरने में समय लग रहा है। रसगुल्ला गुलाब जामुन का मुँह छोड़कर कड़वी गोली खाएं और स्वीकार करें कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री कर दिया। भोपाल में आयोजित राहुल गांधी की रैली में बुंदेलखंड के बड़े नेता और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। रामकृष्ण ने बीजेपी पर उपेक्षा का भी आरोप लगाया था। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट।